सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर। डुअल और क्वाड्रेबल पॉजिटिव आया है, फिर एमनियोसेंट्रेसिस कराना चाहिए क्या? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं, जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका डायरेक्टर हूं। और मैं और मेरी वाइफ बहुत अच्छी मैं वाइफ बहुत अच्छी रिंकू एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, एंड मेरी बेटी ईशानी भी एक बहुत अच्छी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। ये जो क्वेश्चन है ड्यूअल मार्कर का और क्वाड्रिपल टेस्ट का, दोनों करवाने का कोई औचित्य नहीं है। दो दो स्क्रीनिंग टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। यदि ड्यूअल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो वो हाई रिस्क है, उसको कंफर्म करने के लिए NIPT को अवॉइड करना चाहिए। आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट में जाना चाहिए जो एमनियोसेंटेसिस होता है। आपने केवल यदि क्वाड्रिपल टेस्ट किया है और उसमें हाई रिस्क आया है तो आपको उसको कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस कराना चाहिए। NIPT से इसलिए मैं बचने बोलता हूँ कि NIPT से बहुत बार फीटल फ्रैक्शन कम होने के कारण रिपोर्ट भी नहीं जनरेट होती है, प्लस NIPT से देखने का जो रेंज है वो इतना नैरो है कि बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जिसमें 99% तक हम कंफर्म हो सकते हैं। सर ये जो आपने अभी आंसर दिया, मुझसे लोग पूछते हैं कि जब डबल मार्कर पॉजिटिव आया था तो एमनियोसेंट्रेसिस नेगेटिव आया, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो वो पॉजिटिव आया? डबल मार्कर या क्वाड मार्कर या NIPT, ये किसी वारदात में मुजरिम पकड़ने जैसा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस बंदे को पकड़े हो वो एक्चुअल मुजरिम हो। हम उस मुजरिम को, उस बंदे को बहुत सारे CCTV या फिर किसी ने देखा हो उस हिसाब से उसमें जीरो इन करते हैं, पकड़ते हैं। कई बार जब हम DNA मैच करते हैं क्राइम सीन से और उस बंदे का, तो वो मैच नहीं करता। वैसे ही ड्यूअल मार्कर और क्वाड मार्कर एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक हम मान के चलते हैं बच्चे में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम वाले बच्चे का आइडेंटिफाई करने का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अंदाज देती है, आशंका देती है। बट कंफर्म तभी हो सकता है जब हम बच्चे के DNA से वो टेस्ट करें, और वो DNA का टेस्ट ही फाइनल होता है। कई बार निरपराध दोषी भी पकड़ा जाता है, तब स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह हमको कंफर्मेशन करना पड़ता है कि वास्तव में बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं। ये बहुत कॉमन होता है कि क्वाड टेस्ट कराया पॉजिटिव आया, डबल मार्कर कराया पॉजिटिव आया, बच्चे में प्रॉब्लम का बता दिया, तो उसको पक्का करने के पहले एबॉर्शन नहीं कराते, उसको पक्का करने के लिए एमनियोसेंटेसिस कराते हैं। बहुत बार एमनियोसेंटेसिस में ये रिपोर्ट जो उसकी हाई रिस्क आई थी नॉर्मल आती है। तो एमनियोसेंटेसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें अबॉर्शन के चांस अभी तक मेरे पास में ना के बराबर हैं। 10,000 में हो सकता है एक हो, बट अभी जो मैंने हजारों किए हैं उसमें किसी को प्रेगनेंसी में लॉस नहीं हुआ। मेरी एज 28 है, मुझे प्राइमरी एमेनोरिया है, क्या IVF हो सकता है? आपकी एज 28 है और प्राइमरी एमिनोरिया है, तो अगेन आप प्राइमरी ओवेरियन फेलियर वाली हैं कि सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर वाले हैं। ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंडे से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो कि नहीं। और यदि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर आपका कारण है, तो उसमें कुछ भी यदि एग्स बचे हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। कई बार हमको उसमें जेनेटिक टेस्ट FMR1 जीन का करना पड़ता है कि ये क्यों हुआ। योनि द्वार से सोनोग्राफी करने से क्या फैलोपियन ट्यूब खुल सकती है? नहीं खुल सकती। योनि द्वार से सोनोग्राफी करने का मेन रीज़न आपको बच्चेदानी और अंडाशय दोनों को बहुत क्लैरिटी से देखने का एक रीज़न है। दूसरी बात, यदि ये मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये बच्चेदानी होती है, ऐसी दो ट्यूब्स होती हैं और ये दो अंडाशय होते हैं। जब हम योनि द्वार से ये सोनोग्राफी का प्रोब डालते हैं तो इसमें बच्चेदानी के पास होने के कारण ये जगह बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि ओवरी एकदम पास में है तो ये भी बहुत अच्छी दिखती है स्क्रीन में। पर यदि ट्यूब में पानी नहीं भरा हो या डायलेटेड नहीं हो या फिर गुब्बारे जैसी नहीं फूली हो तो ट्यूब नहीं दिखती। यदि यहाँ पर
सब आपस में गुत्थम गुत्था होके चिपक गए, तो ये जो रिलेशन है हमको उससे अंदाज हो जाता है कि भीतर इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि ट्यूब में इन्फेक्शन के कारण पानी भर गया, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं, तब वो सोनोग्राफी से दिखती है, तब हमको आईवीएफ करने के पहले क्लिपिंग करनी पड़ती है दोनों साइड। ये चीज़ें सोनोग्राफी के दौरान हम कई बार सोनोसेल्पिंगोग्राफी भी करते हैं, मतलब हम यहाँ पर यदि एक लिक्विड डालें अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो इस लिक्विड को यदि हम पुश करेंगे तो हमको ये लिक्विड जाती हुई दिखाई देती है। कुछ हद तक हम ट्यूबल पेटेंसी सोनोग्राफी के दौरान देख सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि हम सोनोसेल्पिंगोग्राफी करते हैं तो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके भी आप अपने क्वेश्चन या फिर आप अपने विचार रख सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम का आइडियल फर्टिलिटी में और या फिर फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज पर। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।